हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। एनिमल्स बैटरी का पिछला पार्ट डेफिनेटली आपने देखा होगा। वहां पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस की थी जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो लेक्चर है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज का जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में। हम डिस्कस करेंगे सबसे मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज ऑस्ट्रो साइकिल। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रो साइकिल को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको सिम्टम ऑफ हीट को भी पढ़ाना पड़ेगा और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को भी हम पढ़ेंगे। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को बहुत प्रेफरेंस दिया जा रहा है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए, किसी पेपर की तैयारी आप कर रहे हो ना, और जब आपको लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, तो जस्ट अपनी सोसाइटी के अंदर देखिए कि इस टाइम पे ज्यादा क्या चल रहा है। अगर वीट एंड राइस की कल्टीवेशन ज्यादा हो रही है ना, तो उसी से क्वेश्चन आएगा। अगर मिलेट्स का बहुत चर्चा हो रही है तो वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर नेचुरल को छोड़ के आर्टिफिशियल सेमिनेशन पे फार्मर मूव कर गए हैं तो वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिम्टम ऑफ हीट की, उसके बाद ऑस्ट्रो साइकिल पे चलेंगे। सिम्टम ऑफ हीट, देखो अगर बात करेंगे एनिमल्स की और बात करेंगे ह्यूमंस की, हम लोग हमारी प्रोजेनी को मल्टीप्लाई करते हैं बाय रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन की एबिलिटी जो है ये ह्यूमंस के अंदर भी है और हमारे इंसानों की तरह एनिमल्स के अंदर भी है, लेकिन दोनों में अलग अलग होते हैं। किस तरह से अलग अलग होते हैं, जब बात करेंगे एनिमल्स की, अगर आपके पास एक फीमेल काउ है, ऑफ कोर्स काउ तो फीमेल ही होती है, मतलब आपके पास एक फीमेल कैटल है और आपको उसे प्रेग्नेंट करवाना है, उसकी मेटिंग करवानी है, तो मेटिंग करवाने के लिए आप जब चाहे तब नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि देखो मेटिंग का सिंपल सा प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है, मेटिंग होगी मेल और फीमेल एनिमल के बीच, ऐसा ही होगा। मेल की साइड से आएंगे स्पर्म, स्पर्म मदर से शुक्राणु कह देते हैं, और इधर से क्या होगा फीमेल सेल, जिसे एग ओवम ओव्यूलेशन के थ्रू जो आएगा उसे अंडा कह दीजिए। तो एग जो हो गया वो फीमेल सेल हो गई, जो स्पर्म है वो मेल सेल होगी। अब स्पर्म वाले केस में तो आप कभी भी ले सकते हो, बिकॉज हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए पहले सीमन का कलेक्शन करते हैं। तो सीमन कलेक्शन तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन अगर फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं हुआ है ना, एग अभी तक नहीं बना, जब फीमेल सेल ही प्रेजेंट नहीं है, तो क्या मेल सेल डालने का फायदा होगा, सही यस और नो? अगर वहां पे एग ही नहीं है तो क्या स्पर्म डालने से कुछ फायदा होगा, कुछ नहीं होने वाला। मतलब आप समझिए कि हमें सही टाइम पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्पर्म को उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करेंगे जब वहां पे एग भी प्रेजेंट होगा, ताकि फीमेल और मेल सेल मिलेंगे, मेल और फीमेल के मिलने से फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो नया एम्ब्रियो बनना है, जो फीटस का डेवलपमेंट होना है विद इन द बॉडी, वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बात तो पक्की हो गई कि जब चाहे तब मेटिंग नहीं करवा सकते, मेटिंग करवानी पड़ेगी। किस टाइम पे मेटिंग करवानी पड़ेगी, सूटेबल टाइम पे। अब आते हैं सूटेबल टाइम कौन सा होता है। ये जो सूटेबल टाइम होता है ना, जब मेटिंग करवाने का सही टाइम होता है, उस टाइम पे जो हमारा पशु है ना, वो किसके अंदर आ जाता है, हीट के अंदर आ जाता है। हीट का यही मतलब होता है, हीट का मतलब होता है जब हमारा एनिमल मेटिंग करने के लिए रेडी होता है, उसे हीट पीरियड कहा जाता है। जब वो मेटिंग करने के लिए रेडी है तो उसे क्या बोला जाता है, हीट पीरियड बोला जाता है। तो मतलब जैसे ही वो हीट में आएगा हम उसकी मेटिंग करवा देंगे। हीट में आने का मतलब है फीमेल सेल का डेवलपमेंट हो चुका है, मेटिंग का मतलब मेल सेल चला जाएगा उसके पास, और हम जो करवाना चाहते हैं एनिमल को प्रेग्नेंट या फिर जब उसका जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होगा वो हो जाएगा। चलिए अब हीट सिम्टम जो है, मतलब हीट तो आ गई है, हीट में तो एनिमल है, मेटिंग करवानी है, लेकिन पहचानना तो पड़ेगा ना यार कि किस टाइम पे वो हीट के अंदर है। हीटिंग सिम्टम की बात कर लेते हैं, हीट के सिम्टम की बात कर लेते हैं, बट उससे पहले बात कर लेते हैं जेस्टेशन पीरियड की। बिकॉज मैंने अभी बोला कि जब आप एनिमल का जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट करवा देंगे, इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप एनिमल की जब बात कर रहे हैं, सूटेबल टाइम पे आप उसकी मेटिंग करवाना चाहते हैं। जैसे ही आप एक सूटेबल टाइम पे आपके एनिमल की मेटिंग करवाएंगे ना, उसके बाद क्या होगा, एनिमल फर्टाइल हो जाएगा। फर्टाइल का मतलब मेल फीमेल सेल मिल जाएंगे, फर्टाइल ना कहो, साधारण भाषा में प्रेग्नेंट ही कह दीजिए। तो आज अगर काउ प्रेग्नेंट हो गई है, उसके अंदर प्रेग्नेंसी स्टार्ट हो गई है, तो आज से लेके जब तक वो बच्चा देगी, आज मतलब प्रेग्नेंट जब हुई है और बच्चा देगी मतलब जो काविंग करेगी, तो आज से लेके काविंग तक का जो टाइम है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जेस्टेशन, और उसमें लगे टाइम को कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड।
अगर आपको समझ आ गया तो आप मुझे चैट के अंदर बता दीजिए कि जो काओ का जेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने दिनों का होता है, बिकॉज काओ भी तो ऐसा ही होगा, प्रेग्नेंट होगी, काविंग करेगी, प्रेगनेंसी से लेकर काविंग तक जितने दिन लगेंगे उसे जेस्टेशन पीरियड कहा जाएगा। जो आप बिल्कुल सब लोग सही लिख रहे हैं, बिकॉज कुछ 280 लिख रहे हैं, कुछ 282 लिख रहे हैं, कुछ 83, 85, दो तीन दिन ऊपर नीचे चलता है, 280 से 285 दिन का होता है। अब जिस तरह से ऑप्शन में दिया होगा उस तरह से आंसर कर देना, बट 280 to 285 डेज का क्या हो जाता है, जेस्टेशन पीरियड होता है। अगर बात करते हैं किसकी, बफेलो की, तो बफेलो के अंदर जेस्टेशन पीरियड थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अब जेस्टेशन को छोड़ने पहले सिम्टम की बात करते हैं हीट के, बिकॉज हीट आएगी, हीट के बाद मेटिंग होगी, मेटिंग के बाद जेस्टेशन स्टार्ट होगा। सीक्वेंस में समझ आ रही है ना बातें, पहले हीट में आएगा फिर तो मेटिंग करवा दोगे, और मेटिंग सक्सेसफुली हो गई तो अब आपका एनिमल क्या हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाएगा। तो हीट में क्या होने वाला है सामने लिखा गया, मैं आपको बेसिक बेसिक बातें समझा देता हूं, कुछ नहीं है पढ़ने वाला, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इतनी आसान है बिकॉज हमने ये सब देखा हुआ है। देखिए हीट के अंदर जब एनिमल आ जाएगा ना, तो एनिमल क्या करेगा, जब एनिमल आपका हीट के अंदर आएगा ना तो वो एक्साइटेड दिखेगा। एक्साइटेड क्या होता है, आपने कुछ ही दिन पहले पेपर दिया होगा, है ना, नहीं दिया तो आप जब एग्जाम देने जाते हैं आप देखते हैं ना कि एग्जाम से पहले एक्साइटमेंट हो रही होती है, कहीं पार्टी में जाना एक्साइटमेंट हो रही होती है, उसी तरह से यहां पे है, एनिमल जो है वो क्या होगा, एनिमल एक्साइटेड कंडीशन के अंदर होगा, नर्वस होगा, रेस्टलेसनेस दिखाएगा, मतलब रेस्ट नहीं कर रहा है, रेस्टलेसनेस है, नर्वस है, नर्वसनेस भी आप समझते हैं ना, एग्जाम से पहले की जो एक्साइटमेंट होती है वो नर्वसनेस के फॉर्म में आपको दिख रही होती है। तो आपका जो एनिमल है जब वो हीट में आएगा ना वो नॉर्मल नहीं दिखेगा, एक्साइटेड होगा, नर्वस होगा, रेस्टलेसनेस होगा। उसके अलावा एनिमल बार बार रंभाएगा, आवाज करेगा, एनिमल जो आवाज करता है ना उसको क्या बोला जाता है, उसको बेलो बोला जाता है, बेलोइंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। गाय को बोलते हुए देखा ना, कैसे बोलती है बताओ जरा, हाँ आप लोग बोल रहे हो कि नहीं बताएंगे सर, शर्म आ रही है, ठीक है आपने सुना तो हुआ है ना। तो काओ जिस तरह से साउंड प्रोड्यूस करती है उसको बेलो बोला जाता है, तो वो क्या करेगी, काओ फ्रिक्वेंटली बेलोइंग करेगी, मतलब बार बार, आप देखोगे नॉर्मली तो इतनी आवाज नहीं करती, आज बहुत बार बेलोइंग कर रही है, क्यों कर रही है, बिकॉज वो हीट के अंदर है, उसके साथ साथ एक्साइटेड है, तो वो क्या कर देगी, जो फीड का इनटेक है, जो खाना खाना है उसको भी क्या कर देगी, कम कर देगी, ज्यादा फीड नहीं लेगी, और फीड नहीं लेगी तो दूध भी क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, तो अब देखेंगे मिल्क प्रोडक्शन भी कम करेगी। उसके साथ साथ जो एनिमल हीट में है ना वो दूसरे एनिमल को लिक करना स्टार्ट कर देगा, लिक का मतलब समझते हो ना, चाटना और सूंघना, लिक और स्मेल करेगा किसको, दूसरे एनिमल को, कौन से एनिमल को, जो हीट में नहीं है या फिर जो उसके पास खड़ा है, तो हीट में आते ही एनिमल उसको लिक करना स्टार्ट हो गया, आप समझ हो गया एनिमल हीट के अंदर आ गया है। उसके साथ साथ जो एनिमल है वो दूसरे एनिमल पे माउंट करना स्टार्ट कर देगा। सर इसका मतलब क्या होता है, भाई फीमेल है हीट में आ गई है ना, वो दूसरे एनिमल के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगी, तो आप देखोगे नॉर्मली तो फीमेल ऐसा करती नहीं है, है ना, लेकिन क्या होगा, वो दूसरे के ऊपर चढ़ रही है तो समझ जाओ हीट में है। इवन जो फीमेल हीट में नहीं होती है उसके ऊपर है कोई एनिमल चढ़ेगा ना तो आगे चली जाती है, वो उसे चढ़ना अलाउ नहीं करती है, ठीक है जी। तो माउंट वाला पॉइंट भी आप लोग समझ गए हो, आगे क्या बोला गया, नेक्स्ट और हीट के सिम्टम है। देखिए हीट के सिम्टम रिवाइज कर देता हूं, काफी सारे होते हैं, एनिमल जो एक्साइटेड होगा, एनिमल बार बार आवाज निकालेगा, वो दूसरे क्या करेगा, फीड कम कर देगा, दूसरे एनिमल को चाटना और सूंघना शुरू कर देगा, दूसरे एनिमल के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, एनिमल जो है वो खड़ा रहेगा, कब खड़ा रहेगा, जब दूसरा एनिमल उसके ऊपर आके चढ़ेगा तो आगे नहीं जाएगी फीमेल, वो वहीं खड़ी रहेगी, बिकॉज़ वो चाहती है इस टाइम पे, क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो सेक्सुअल इंटेंसिव स्टेज के अंदर है, वो क्या है इस टाइम पे, वो इस टाइम पे हीट पीरियड के अंदर है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, मतलब जो पेशाब है वो बार बार करेगी, उसके बाद स्वेलिंग ऑफ वल्वा, वल्वा जानते हो ना, जहां से वो गोबर करती है ना, वहां पे क्या आ जाएगा, वो जो वल्वा है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, साथ साथ जो टेल है, जो उसकी पूंछ है, वो थोड़ी सी उठी हुई कंडीशन में होगी, बिकॉज अब वो क्या है, अब वो सेक्स करने के लिए रेडी है, तो उसकी टेल जो है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होगी, फिर वो लगेगा मिल प्रोडक्शन, बिकॉज़ उसने फीड कम कर दिया है, तो मिल प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर पल्पेशन करेंगे तो जो यूट्रस होती है, यूट्रस मतलब जिसे गर्भाशय कहा जाता है, तो गर्भाशय थोड़ा आपको टर्जिड दिखेगा, टर्जिड का मतलब क्या हो गया कि थोड़ा सा क्या बोलो यार, हार्ड कह दीजिए, है ना, थोड़ा सा हार्ड जैसा फील होगा आपको जब वो हीट के अंदर होगी। ये सारे सिम्टम हो गए हीट के, उम्मीद करता हूं समझ पाए होगे कि एनिमल जब हीट में आएगा तो किस तरह के सिम्टम शो करेगा, अगर समझ गए हैं तो आगे चलते हैं। हीट में आ गया है एनिमल, अब क्या करेंगे, अब हीट में आया है तो हीट कब आती है,
ऑस्ट्रो साइकिल में आती है ना। तो अब समझेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को, जिसे कहा जाता है ऑस्ट्रो साइकिल। बट मेरे भाई और बहनों, ऑस्ट्रो साइकिल को पढ़ने वाले हैं 18 साल से ऊपर तुम सब लोगों, अपने दिमाग को थोड़ा बड़ा करना, छोटी चीजों के अंदर मत पढ़ना। जैसा मैंने अभी कहा कि उसके अंदर सेक्स करने की डिजायर बढ़ जाती है, आप बोलेंगे ओ सर ने ऐसे बोल दिया, भाई स्टडी का पार्ट है, हमारे पेरेंट्स ने भी किया था तभी हम पैदा हुए थे, तो इसको ऐसे मत दीजिए ये क्या बोल दिया। समझने के लिए थोड़ा मैच्योर बनिए और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिर्फ सेक्स वर्ड पे फोकस मत करना, फोकस करना उस वर्ड पे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन अब मुझे बोलना पड़ेगा रीजन यहां पे होता है वो। तो ऑस्ट्रो साइकिल का सिंपल सा मतलब है, क्या मतलब है ऑस्ट्रो साइकिल का, कि आपका जो एनिमल है वो क्या है, वो रेडी है। किसके लिए रेडी है? आपका एनिमल रेडी है मेटिंग करने के लिए। लेकिन मेटिंग के अलावा भी तो कुछ और होता होगा ना, क्योंकि आप सोचेंगे सर मेटिंग के लिए एकदम से रेडी क्यों हो गया, भाई हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी के अंदर, हॉर्मोन्स का अप एंड डाउन होगा, कुछ स्पेशल हॉर्मोन सीक्रेट होंगे जो उसे उस सेक्सुअल इंटेंसिव फेज के अंदर लेके आएंगे। अब ये जो फेज है ना, इसी को ऑस्ट्रो साइकिल कहा जाता है, जिससे तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है 21 डेज। अच्छा 21 डेज का क्या होता है ये समझाता हूं। अगर मान लो आज तुम्हारा जो एनिमल है वो हीट पीरियड के अंदर आया, इसका मतलब तुम्हें उसकी क्या करवानी थी, आज मेटिंग करवानी थी, लेकिन उसकी किसी कारण से आप मेटिंग करवा नहीं पाए, या फिर आप घर में ही नहीं थे पता ही नहीं चल पाया, तो क्या दोबारा कभी वो हीट में नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा सर। कब आएगा? 21 दिन के बाद। तो ऐसा क्या होगा कि आज हीट में था, 21 दिन बाद फिर से हीट में आ गया, तो आज से लेके 21 दिन तक उसकी बॉडी के अंदर क्या चलता रहेगा, एक साइकिल, जिस साइकिल को क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रो साइकिल कहा जाता है। जब एनिमल प्रेग्नेंट हो जाता है तो ऑस्ट्रो साइकिल सीज हो जाता है, रुक जाता है, फिर वो जब तक बच्चे को जन्म नहीं देता तब तक ऑस्ट्रो साइकिल दोबारा रिपीट नहीं होता। मतलब अगर काउ प्रेग्नेंट हो गई तो फिर हीट में नहीं आएगी, लेकिन अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो दोबारा दोबारा हीट में आती रहेगी। बेसिक आइडिया समझ आ गया। ऑस्ट्रो साइकिल को स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। समझने के लिए ऑस्ट्रो साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रो साइकिल में मुझे पढ़ाना पड़ेगा कैटल की फीमेल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम बात करेंगे ह्यूमंस के अंदर, है ना, औरतों की या फिर फीमेल कहते हैं उनकी बात करेंगे, बिकॉज उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इधर ऑस्ट्रो साइकिल होता है, तो उनका कंपैरिजन करके मैं आपको ये बहुत आसानी से समझा पाऊंगा। बट पहले चार स्टेज याद कर लो ऑस्ट्रो साइकिल की। फेज तो दो होती है, वो आगे बताता हूं। स्टेजेस चार होती है ऑस्ट्रो साइकिल की, कौन कौन सी? प्रो एस्ट्रस होता है, ओएस्ट्रम होता है, मेटोस्ट्रम होता है और डायस्ट्रम होता है। आगे इसके डेज लिखे गए हैं, पेपर इस तरह से पूछ सकता है, सबसे बड़ी स्टेज कौन सी होती है, सबसे छोटी स्टेज कौन सी होती है, तो डेज साथ साथ याद करिएगा। ऑस्ट्रो साइकिल को समझते हैं, समझने से पहले सामने आपको कुछ कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। हाँ, आपको जो बॉडी का पार्ट दिख रहा है आप इसे ऑफकोर्स समझते हैं पहले से, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा किसके बारे में, कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। कॉर्पस ल्यूटियम, जिसका नाम तुम लोगों ने शायद एनिमल हस्बेंड्री के अंदर सुना होगा, नहीं सुना होगा ना, तो ये एक ग्लैंड है, एक क्या है, ग्रंथि है, जो डेवलप होती है स्पेशली एक टाइम पे। कौन से टाइम पे? ऑस्ट्रो साइकिल में। पूरी जिंदगी या फिर पूरा टाइम बॉडी के अंदर नहीं होती है। और ये जब बनती है ना, तो ये क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है। सर उससे क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन सीक्रेट करती है ना, उससे क्या होता है, उससे जो उसके अंदर साइकिल चलने वाला है। सर कौन सा साइकिल? भाई अब क्या होने वाला है, जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो प्रेग्नेंट होते ही क्या होगा, यूट्रस के अंदर चेंज लाने पड़ेंगे, यूट्रस का साइज बहुत छोटा है, साइज को बड़ा करना पड़ेगा और बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो आपका एनिमल सही तरीके से रिप्रोड्यूस कर पाए, रिप्रोडक्शन कर पाए, इसीलिए वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम आता है और उस चीज को मतलब उस फेज को, उस स्टेज को, उस प्रोसेस को, उस क्रिया को आसानी से बॉडी के अंदर चलाया जा सके, उसके लिए एक हार्मोन ये सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। तो कॉर्पस ल्यूटियम अब समझ गए हो, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो ये रिप्रोडक्शन वाले टाइम पे आएगा, बाकी टाइम पे नहीं आएगा। कॉर्पस ल्यूटियम वर्ड को समझ जाओ बस, बाकी कुछ नहीं समझना, जो सामने लिखा गया मैं सब समझा दूंगा। कॉर्पस ल्यूटियम को समझ गए हो, एक वर्ड और पर समझ लो, वो क्या है, वो है सर्विक्स। सर्विक्स एक्चुअली वेजाइना का ही पार्ट है ना, यूट्रस का ही पार्ट है ये। सर्विक्स एक ऐसा प्लेस है जहां पे जब वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हो ना, तो इस एरिया के अंदर सीमन को डाला जाता है। आर्टिफिशियली जब इंसेमिनेशन करते हैं तो कहा जाता है कि जो सीमन है, जो शुक्राणुओं वाला, जो शुक्राणु को क्या बोलूंगा यार,
है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो हमारे स्पर्म होते हैं, यस, है ना। तो स्पर्म की बात करेंगे जो किसके अंदर है, सीमन के अंदर है। तो सीमन को डाला कहां पे जाता है, सर्विक्स वाले पार्ट में डाला जाता है। फिलहाल कॉर्पस ल्यूटम को समझ गए हो तो चलते हैं आगे, कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं फिर ओस्ट्रोसाइकिल को समझेंगे। टर्मिनोलॉजी के अंदर पहला आ गया फोलिकुलर फेज। अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, ये वाला पार्ट आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा जितना पहले आया था कल वाला पार्ट और जितना अगला पार्ट आने वाला है। लेकिन बात ये कि लोग समझते नहीं है इसीलिए इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन पेपर में अगर डेप्थ में क्वेश्चन आ जाता है ना फिर फंस जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको बहुत ही कम समझ आ रहा है तो वीडियो को बंद करिए और एक बार जाके ह्यूमन के अंदर इस प्रोसेस को समझ के कि आप कैसे पैदा हुए थे। अगर आप इस प्रोसेस को समझते हैं ना कि आप कैसे पैदा हुए थे तो आपको गारंटीड ये समझ आएगा। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि यूट्रस क्या होता है, स्पर्म क्या होते हैं, है ना, ओविलेशन क्या होता है, फिर दिक्कत आएगी। तो मैं कुछ कुछ आपको समझा देता हूं। अभी अभी हमने पढ़ा कि जो आपका ओस्ट्रल साइकिल होता है उसके अंदर चार स्टेज होती हैं, स्टेजेस चार होती हैं लेकिन फेजेस दो ही होती हैं। उन दो फेज के अंदर पहला फेज आता है कौन सा, फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज क्या होता है, जो फोलिकुलर फेज है याद रखिएगा ये क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट स्टेप होता है इस साइकिल के अंदर, लगातार चलता रहता है, लास्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे टू अ पीरियड टू ओव्यूलेशन। पहले दिन से लेके जब तक ओव्यूलेशन नहीं होता, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, एग का रिलीज होना, अंडे का बाहर आना, है ना। तो पहले दिन से लेके एग के रिलीज होने तक जो चलेगा उसे फोलिकुलर फेज कहा जाता है। और इस टाइम पे ग्राफियन फोलिकल जो अपने आप में कुछ सेल्स है उनका निर्माण होता है बॉडी के अंदर। फोलिकुलर फेज आप समझ गए हो, पहले दिन से ओस्ट्रल साइकिल स्टार्ट हो रहा है उस दिन से लेके जब तक अंडा रिलीज होने वाला है तब तक ये चलेगा। ओविलेशन का मतलब तो बता ही दिया, रिलीज ऑफ एग होता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ओविलेशन हो गया ना, अंडा आ गया, अब कॉर्पस ल्यूटियम तैयार हो गया। क्यों तैयार हो गया, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरोन नाम का हॉर्मोन सीक्रेट करना है ताकि वो जो साइकिल है, जो रिप्रोडक्शन वाला साइकिल है, वो अच्छे से चल सके, वो उसकी बॉडी में कंप्लीट हो सके। तो इसने फोलिकुलर फेज ने अपना काम पूरा कर दिया, शुरू से लेके एग के रिलीज तक ये आ गया था। अब कॉर्पस ल्यूटियम कहता है मैं आ गया हूं, मैं संभाल लूंगा। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये एक ग्लैंड है जो डेवलप होती है कहां से, ग्राफियन फोलिकल से। ये आए थे, अब ग्राफियन फोलिकल से डेवलप हो गए, कॉर्पस ल्यूटियम आ गया आफ्टर ओव्यूलेशन। किसके बाद, ओव्यूलेशन के बाद, बिकॉज ये कब था, ओव्यूलेशन से पहले। एंड इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट प्रेगनेंसी इन मेंबर्स। अभी तो बताया था, है ना, कि ये एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसका नाम प्रोजेस्टेरोन है। वो क्या करेगा, वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, बिकॉज प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो होगा क्या, अगर आपका एनिमल प्रेगनेंट हो जाएगा तो अपना काम करेगा, प्रेगनेंट अगर नहीं हो पाया किस कारण से तो ये चला जाएगा, बोलेगा ठीक है फिर अगर नहीं हो पाया तो मेरा काम खत्म हो गया, तो फिर ये वहां पे आपको नहीं दिख रहा। इसलिए बोला कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या होता है, वो स्पेशली आपको दिखेगा रिप्रोडक्शन वाली स्टेज के टाइम पे, ओस्ट्रोसाइकिल के टाइम पे। चलिए एक बेसिक सा आइडिया, थोड़ा सा आइडिया आपको हुआ होगा ओस्ट्रोसाइकिल क्या है। आगे चलते हैं, जरा कंपेयर करते हैं किसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल को और ओस्ट्रोसाइकिल को, मतलब इंसानों के अंदर क्या होता है और एनिमल्स के अंदर क्या होता है, इससे आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। पहले तो बता दूं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो इंसानों के अंदर होता है वो इंसानों के साथ साथ मंकी और जो एप होते हैं ना, बंदर बंदर के अंदर भी होता है ये। लेकिन जो आपका ओस्ट्रोसाइकिल है वो काउ, बफेलो और गोट और शीप के अंदर होता है, इसलिए आपको सबका ओस्ट्रोसाइकिल याद करना पड़ेगा, किसका कितने दिन का होता है, किसका जेस्टेशन कितने दिन का होता है, कितना लैक्टेशन लेंथ किसका कितने दिन का होता है, मैं आगे डेट आपको दे दूंगा। फिलहाल इनके अंदर ओस्ट्रोसाइकिल है, उनके अंदर मेंस्ट्रोसाइकिल है। मेंस्ट्रोसाइकिल के अंदर तीन फेज होती है, आपको ये तीनों फेज पढ़नी नहीं है, बिकॉज इंसानों के बारे में हमें नहीं पढ़ना, वी आर इन एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन तीनों के नाम क्यों बता रहा हूं, ताकि इनको समझा पाऊं। तो यहां पे मेंस्ट्रुअल फेज आता है, फिर प्रोलिफरेटिव फेज आता है, फिर सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज मतलब आपने देखा ना, फीमेल के अंदर जो पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के टाइम में उनको ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, है ना। आपने वो पैड की एड देखी होगी, अक्षय कुमार आता है बोला ऐसे, वो जो धुआं उड़ा रहा है, बोला ये जो तो धुएं में उड़ा रहा है इस पैसे भाभी जी के लिए, वो आ जाते हैं पैड आ जाते हैं ना, ऐसा कुछ एड देखा होगा, राइट। तो वो जो ब्लीडिंग वाला पार्ट है ना यार, वो क्यों होता है, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है, है ना, वो उस रिप्रोडक्शन साइकिल का पार्ट होता है। लेकिन ये नहीं समझना, समझना ये है ओस्ट्रस साइकिल के अंदर क्या होता है भाई, ओस्ट्रस पीरियड आता है और उसके बाद एनोस्ट्रस पीरियड आता है या फिर एनोस्ट्रस फेज आता है। ये क्या होता है, ओस्ट्रस पीरियड का मतलब होता है सेक्सुअली इंटेंसिव स्टेज, जिस टाइम पे आपकी जो फीमेल है वो रेडी है किसके लिए, मेटिंग के लिए या फिर रिप्रोडक्शन साइकिल को सपोर्ट करने के लिए।
लेकिन हमेशा तो वो इसमें नहीं रहती है ना। हॉस्टल साइकिल अगर ये बोलो कि सर आज मेरी जो फीमेल काउ है वो मेटिंग करना चाहती है, लेकिन हर दिन करती रहेगी, नहीं। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि एक टाइम आएगा जब वो सेक्सुअली इंटेंसिव स्टेज में होगी और एक टाइम आएगा जब वो सेक्सुअली इंटेंसिव स्टेज में नहीं होगी। तो जब वो सेक्सुअली इंटेंसिव स्टेज में, उसको ऑस्ट्रस पीरियड कह दिया गया, और जब उसमें नहीं है तो उसको क्या बोल दिया गया, एन ऑस्ट्रस फेज कह दिया गया। समझ गए? ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है तो उसमें सेक्स की अर्ज, जो सेक्स की डिजायर है, मतलब जो सेक्स करने की इच्छा है, वो बढ़ती नहीं है, इंक्रीज नहीं होती है। लेकिन एनिमल के अंदर क्या होता है, उनके अंदर सेक्स की जो अर्ज है वो इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, तभी तो एनिमल आपका इतना सिम्टम दिखा रहा है, वल्वा के अंदर स्वेलिंग होगी, पूंछ को उठा लिया, एनिमल को लिक करना स्टार्ट कर दिया, बेलोइंग करना स्टार्ट कर दिया, खाना खाना कम कर दिया, दूध देना कम कर दिया, दूसरे एनिमल के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। इतना कुछ कर क्यों रहे एनिमल? बिकॉज उसके अंदर उस चीज की अर्ज जो है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस टाइम पे फीमेल सेक्स परमिट नहीं करेगी, लेकिन इस केस में फीमेल जो है वो ऑस्ट्रल साइकिल में है, वो उसके अंदर क्या होगी, ऑस्ट्रल साइकिल के अंदर एक स्टेज आएगी जहां पे वो हीट में आएगी और वो सेक्स को परमिट करेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले केस में ब्लड लॉस होगा, है ना, ब्लीडिंग जो होती है, इसलिए तो पैड्स को यूज किया जाता है। इतने तो मैच्योर लोग हैं, आप समझते हैं इन सब बातों को, है ना। तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, बट ऑस्ट्रल साइकिल में ब्लड लॉस डज नॉट अकर। एनिमल के अंदर आपने कभी नहीं देखा, एनिमल के अंदर क्या होता है, वो एग अगर तो फर्टाइल हो गया फिर तो प्रेग्नेंट हो गया एनिमल और प्रेगनेंसी साइकिल स्टार्ट हो गया, लेकिन अगर नहीं होता तो एग वो टूट जाता है जिसके बाद ब्लीडिंग होनी चाहिए, लेकिन उस एग को क्या होता है, जो यूट्रस है वो दोबारा से अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए इनके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन ह्यूमन के अंदर ब्लड लॉस होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा मेंस्ट्रस वर्सेस ऑस्ट्रस साइकिल क्या होता है, इमेज बनी होगी। ये मैंने इसलिए बताया ताकि अब इसको समझ पाए, जबकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला है। अगर समझ गए हो, अब इसे खत्म करते हैं, लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं। फेज के अंदर आपको बता ही दिया, ऑस्ट्रस साइकिल के अंदर दो फेज है, पहली जो फोलिकुलर फेज है जो पहले दिन से लेके ओव्यूलेशन तक चलेगी, उसके बाद कौन सी फेज आएगी, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो उसको कौन सा बोल दिया गया, ल्यूटियल फेज बोल दिया गया। इसके अंदर हार्मोन जो रिलीज होता है वो एस्ट्रोजन होता है, जबकि कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन। और स्टेज तो आपको पहले ही बता दी, प्रोएस्ट्रस, ओएस्ट्रम, मेटोस्ट्रम और डायस्ट्रम। इस टेबल को नोट कर लेना, याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, डाउट आए तो पूछ लेना, लेकिन एग्जाम में दिखाऊंगा आपको। मैं ये तो नहीं कह सकता है कौन से एग्जाम में, बिकॉज हर एग्जाम में तो एनालॉजी से क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, और आए तो एनिवर्समेंट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना यार, मैं भी एक ही टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, मैं भी अलग अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो इसको ब्रेन को ओपन करके अच्छे से समझ लेना। अब खत्म कर देते हैं ऑस्ट्रस साइकिल को, चार से आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रोएस्ट्रम, ओएस्ट्रम, मेटोस्ट्रम और डायस्ट्रम। तो प्रोएस्ट्रम दो दिन का होता है, ओएस्ट्रम एक दिन का होता है, मेटोस्ट्रम चार दिन का होता है और डायस्ट्रम 14 दिन का होता है। तो सबसे बड़ी कौन सी स्टेज आ गई, डायस्ट्रम, सबसे छोटी कौन सी, ओएस्ट्रम। अब मुझे ये बता दो, ऐसी कौन सी स्टेज है इन चारों में से, 1, 2, 3, 4, ए बी सी और डी लिख के बताओ मुझे, कौन सी स्टेज है ऑस्ट्रल साइकिल की जिसमें फीमेल सेक्स परमिट करेगी, मतलब फीमेल हीट के अंदर आ जाएगी। जल्दी से लिख दो फटाफट से, ए बी सी या फिर डी, ए बी सी डी कौन सा है जिसमें फीमेल आप देखेंगे वो क्या करेगी, वो हीट के अंदर आएगी। ऑफकोर्स आप सब लोग राइट लिख रहे हैं, एंड ये चैट में मैसेज का आना इस बात का एविडेंस है कि आपको समझ आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा, दो बार लेक्चर को सुनिएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, गारंटेड समझ आएगा। ऑफ कोर्स आप सही आंसर दे रहे हैं, ये वाली स्टेज के अंदर हीट पीरियड में एनिमल आ जाएगा। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोएस्ट्रम से स्टार्ट करते हैं। प्रोएस्ट्रम एक पीरियड है किसका, बिल्डिंग अप ग्रोथ ऑफ ग्राफियन और ओवेरियन फोलिकल। भाई ये फोलिकुलर फेज के अंदर चल रहा है ना पहले दिन से, तो ग्राफियन फोलिकल बनेगी यहां पे, विच हेल्प फॉर द नोरिशमेंट ऑफ ओवम। जो ओवम जो है उसके न्यूट्रिशन के अंदर, नोरिशमेंट के अंदर, पोषण के अंदर ये सहायता करते हैं। इसमें फ्लूड होता है, जो हार्मोन कौन सा अभी बढ़ गया था ना, कौन सा हार्मोन होता है भाई, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इट कॉजेस चेंज इन द यूट्रस और ब्लड सप्लाई, यूट्रस के साइज को बढ़ा देता है, ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, बिकॉज अब नया काम शुरू होने वाला है एनिमल की बॉडी के अंदर, उसके लिए उस एनिमल को रेडी करना पड़ेगा। तो ये रेडी करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड स्टेज ऑस्ट्रम स्टेज जो आ गई, ये वो स्टेज है इन व्हिच द फीमेल इज रेडी टू रिसीव मेल, मतलब फीमेल जो है वो हीट के अंदर आ गई है, मेल को रिसीव करने के लिए रेडी है। मेटोस्ट्रम की बात करते हैं, इसमें क्या होगा भाई, मेल को रिसीव कर लिया है तो मेटोस्ट्रम में क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा एम्ब्रियो का, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस।
तो इससे क्या होगा, प्रिवेंट कर देगा ये किसको, ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फोलिकल को, देयर बाय अरेस्ट ऑस्ट्रोसाइकिल। आपका एनिमल प्रेग्नेंट हो गया है, ऑस्ट्रोसाइकिल को अरेस्ट कर दिया गया, अरेस्ट मतलब उसे रोक दिया गया कि भाई अब जब तक बच्चा पैदा नहीं हो रहा तब तक तेरे को दोबारा नहीं आना। तो अगर एनिमल सक्सेसफुली प्रेग्नेंट हो जाता है तो अब दोबारा वो हीट में नहीं आएगा जब तक बच्चे को जन्म नहीं देगा। लेकिन आप जब मेटिंग करवाते हैं तो हमेशा आपका एनिमल सक्सेसफुली प्रेग्नेंट नहीं हो पाता। तो सर अगर नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया तो आ जाओ आगे डायस्ट्रम के अंदर, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस टेक प्लेस। अब यूट्रस बड़ा होगा बिकॉज बच्चे नहीं आना है। लेकिन अगर एनिमल कंसीव नहीं हुआ, फर्टाइल नहीं हुआ, प्रेग्नेंट नहीं हुआ, तो अब क्या हो जाएगा, इनवोल्यूशन ऑफ द यूट्रस टेक प्लेस। वापिस से यूट्रस छोटी हो जाएगी और आप देखेंगे कि 21 दिन पूरे करने के बाद आपका एनिमल फिर से किस में आ जाएगा, हीट में आएगा। व्हाई? बिकॉज क्या हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं एम्ब्रियो का। हो गया तो ऑस्ट्रोसाइकिल नहीं आएगा जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको ऑस्ट्रोसाइकिल समझ आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड हो ना हो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मुश्किल है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कंपेटिटर्स इन्हीं डिफिकल्ट चीजों को पढ़ के आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रस पीरियड के लिए मैंने अब आपको बता दिया, ऑस्ट्रस पीरियड में प्रोएस्ट्रस आ गया, एस्ट्रस आ गया, ओविलेशन आ गया और फिर एस्ट्रस साइकिल आ गया। टोटल ये कितने दिन का होता है एस्ट्रस साइकिल, 21 दिन का होता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, मतलब 18 से लेके 24 दिन तक का हो सकता है ये। ओविलेशन जो होता है वो 12 से 16 घंटे बाद होता है, 12 to 16 आवर्स आफ्टर द एंड ऑफ एस्ट्रस। एस्ट्रस कितना होता है भाई, 12 से 18 घंटे के लिए, और प्रो एस्ट्रस कितना होता है, 2 से 3 दिन के लिए। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। अब ओवर करते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल आप लोग पढ़ चुके, आगे चलेंगे बात करेंगे किसकी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। किसकी बात करेंगे, यस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करेंगे कि अगर अब आपको क्या करना है, एनिमल आपका क्या है, हीट में आ चुका है, हीट की बातें हम कर चुके हैं ना। एनिमल अगर आपका हीट में आ चुका है, आप उस एनिमल को क्या करेंगे, मेटिंग करवाएंगे। मेटिंग के लिए दो ऑप्शन है, क्या दो ऑप्शन है सर, मेटिंग के लिए एक ऑप्शन तो यह है कि मेटिंग करवाइए उस एनिमल से जो गांव में अवेलेबल है, जो सांड अवेलेबल है उससे करवा दो। लेकिन यह अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि जो अवेलेबल बुल है, जो अवेलेबल सांड है, वो अच्छी नस्ल का ना हुआ तो जो गाय का बच्चा आएगा, जो अगली प्रोजनी आएगी, वो भी अच्छी नहीं होगी। तो सर फिर क्या करें, फिर क्या करो, एक अच्छी नस्ल के सांड के साथ क्रॉस करवाओ उसका। तो सर ये कैसे करवाया जाएगा, ये कैसे करवाया जाएगा, एक अच्छी नस्ल के सांड के साथ क्रॉस करवाने के लिए अच्छी नस्ल का सांड चाहिए। सर वो तो बहुत दूर है, कैसे लेके आएंगे, तो उसको नहीं लेके आएंगे, उसका सीमन लेके आएंगे। सर सीमन कैसे कलेक्ट किया जाता है, सीमन कलेक्ट करते हैं बेस्ट मेथड से, बेस्ट मेथड होता है आर्टिफिशियल वेजाइना मेथड। आर्टिफिशियली एक डमी काऊ बनाया जाता है, एक वेजाइना उसमें लगाई जाती है, वेजाइना के अंदर वो टेम्परेचर, वो एनवायरमेंट सेट किया जाता है जैसा नेचुरल काऊ के अंदर होता है। सांड आता है और वो नेचुरल उसे समझ के वही प्रोसेस को परफॉर्म करता है, और जब वो क्या करता है, जब वो सीमन को इजेक्युलेट करता है, सीमन को बाहर निकालता है, हम उस सीमन को कलेक्ट कर लेते हैं और उसे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर देते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उसे बचा लेते हैं, उसे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर क्या कर लेते हैं, उसे प्रिजर्व कर लेते हैं, राइट। तो वो आपका सीमन है। अब उस सीमन को लाके हम कहां पे डालेंगे, जरा मुझे बताइए चैट के अंदर, जब उस सीमन को उसके अंदर डाला जाएगा तो एनिमल का, काओ का बॉडी का वो कौन सा पार्ट होगा, जहां आसपास जाके, जहां के पास जाके आप क्या करोगे, सीमन को डाल दोगे, फटाफट से बताओ। मैंने कॉर्पस ल्यूटियम के टाइम आपको बताया था, ये सब लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं, सीमन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा सर्विक्स के अंदर। चलिए तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम करवा देते हैं, सर्विक्स के अंदर डाल देते हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं वहां पे कि क्या किया जा रहा है, सीमन को अंदर डाला जा रहा है। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, एक टेक्निक है, किसकी टेक्निक है, इन विच सीमन विद द लिविंग स्पर्म, जिसमें क्या किया जाता है, सीमन जो है आपका लिविंग स्पर्म के साथ, बिकॉज स्पर्म ही जिंदा नहीं है फिर तो कोई मतलब की बात नहीं है, जिंदा स्पर्म के साथ कलेक्ट किया जाता है मेल से एंड उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है, किसमें, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। किस टाइम पे, एट प्रॉपर टाइम विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रॉपर टाइम तो चाहिए, बिकॉज हीट के आगे पीछे डालोगे तो बात नहीं बनेगी, है ना, हीट पीरियड में ही डालना पड़ेगा। जो हीट पीरियड होता है वो 18 से 24 घंटे का होता है। अब 18 से 24 घंटे गया तो किस टाइम पे सर, कभी भी कर सकते हैं क्या, फर्स्ट आर में ही डाल दे, 10th आर में डाले या 15th में, बताता हूं चिंता मत करो, है ना। 18 से 24 घंटे गया, किस टाइम पे उसके अंदर सीमन डालना है वो बात भी करेंगे। सीमन इज इंसर्टेड इन द यूट्रस, गर्भाशय के अंदर डाला जाता है, लेकिन गर्भाशय का वो पार्ट जिसे सर्विक्स कहा जाता है वहां पर डालते हैं।
इन यूट्रस बाय द मैकेनिकल मेथड एट प्रॉपर टाइम एंड अंडर मोस्ट हाइजीनिक कंडीशन, बिकॉज साफ सफाई हाइजीनिक कंडीशन नहीं है तो क्या हो सकता है, पशु को बीमारियां हो सकती हैं। जो पहला साइंटिफिक रिसर्च था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, वो डोमेस्टिक एनिमल में डॉग्स पे किया गया था 1780 के अंदर। बोला गया अगर आपने सीमन को कलेक्ट कर लिया है तो सीमन को क्या करना है, देयर आर टू मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग सीमन। आप ड्राई आइस और अल्कोहल के अंदर -100 डिग्री फारेनहाइट पे रख सकते हो, जो बहुत कम टाइम के लिए प्रिजर्व करेगा, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -320 डिग्री फारेनहाइट या फिर -196, जिसे 195.55 लिखा गया है, डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर सकते हो, बट माइनस के अंदर याद रखना। आर्टिफिशियल वेजाइना को असेंबल किया जाता है 45 डिग्री के एंगल पे, इस तरह का एंगल बनाया जाता है कि जो पेनिस है वो पेनिस जो होता है ना, जो मेल का है, वो डायरेक्टली उसके अंदर आराम से चला जाए और पशु बहुत कंफर्टेबल और हम उसका सीमन कलेक्ट कर लें। सो आर्टिफिशियल वेजाइना इज असेंबल्ड एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पेनिस एंड द थ्रस्ट इज दैट एंगल। अब कब डालना है, 18 से 24 घंटे का हीट पीरियड तो है, लेकिन हीट पीरियड के किस टाइम पे सर इंट्रोड्यूस करना है, किसको किस टाइम पे इंट्रोड्यूस करना है, आपके स्पर्म को, सीमन को, मेल के स्पर्म को। सो अगर आपकी काउ जो है वो हीट पीरियड दिखाती है सुबह, तो आप क्या कर दो, सेम डे शाम को उसे इंसेमिनेट कर दो। अगर अगले दिन किया तो वो क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। और अगर उसने हीट सिम्टम दिखाया दोपहर में, आफ्टरनून को, तो अगले दिन मॉर्निंग में, अर्ली आफ्टरनून में या फिर मॉर्निंग इंसेमिनेट कर दो, लेकिन आफ्टर 3 PM कर दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो ये कहिए कि जो हीट सिम्टम दिखाता है ना, उसके 12 से 18 घंटे बाद, मतलब 0 से लेके 24 घंटे तक चलने वाला ना हीट पीरियड, बिकॉज 18 से 24 घंटे का होता है, तो लगभग 24 घंटे तक चलता है, तो 12 से 18 जो थर्ड क्वार्टर होता है हीट पीरियड का, वो बेस्ट माना जाता है किसके लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट या फिर नेचुरली इंसेमिनेट करवाने के लिए। ये था हमारा ऑस्ट्रस साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल भी मुझे आपको पढ़ाना पड़ा हीट पीरियड, और हीट पीरियड के साथ मैंने आपको पढ़ा दिए हीट के सिम्टम और साथ साथ बताया सीमन कलेक्शन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आगे चलेंगे, यहां पे इस लेक्चर को रोकेंगे और अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, जहां पे बात करेंगे सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग की, उसमें लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रीडिंग अप, टेस्ट क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग, इन सब की बातें करेंगे। लेकिन तब तक के लिए लेक्चर को 2 बार रिवाइज कीजिएगा, ये थोड़ा मुश्किल लगा होगा, लेकिन एक बार फिर से सुनेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। और फिर आइएगा, फिर से मिलता हूं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे बात करने वाले सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग की। आप अपने हार्डवर्क को बनाए रखिएगा, जिंदगी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान ने सोचा वो पा ना सका हो, लेकिन सोचने का मतलब होता है बेड पे पढ़ के नहीं सोचना, उठना है, मेहनत करनी है, बिकॉज अच्छे सपने अगर आपके हैं, बड़े सपने अगर आपके हैं, तो बड़े सपनों को पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग हार्डवर्क कर रहे होंगे, मिलता हूं आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, जय हिंद, जय भारत।